चंडीगढ़ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल समेत हरियाणा के कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस सम्मान समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का लोकतंत्र सेनानियों ने सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में सीएम मनोहर लाल भावुक हुए। सीएम ने कहा कि मेरा मन है मैं आपका सम्मान करूं। इस दौरान सीएम और अन्य लोगों ने आपातकाल को लेकर 2 मिनट का मौन भी रखा। सीएम ने कहा कि सेनानियों का बलिदान आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज ये विषय मेरे मन की आज ये विषय मेरे मन की भावना के विपरीत है। मन का भाव है मैं आपका सम्मान करूं। आपने मेरा सम्मान किया, मैं सहायक तो नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों का योगदान है। जो भूमिका आपने निभाई है बाद की पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए वंदनीय है, प्रेरणादायक है, उत्साहवर्धक है। और इस प्रकार का त्याग तप समर्पण जो आपने अपने जीवन में दिखाया है, मैं तो यही आने वाले पीढ़ी से भी आग्रह करूंगा, निर्णय करूंगा कि आपके इस कार्य से उनको प्रेरणा मिले। वो भी कभी भी ऐसा कोई काल है, परीक्षा की घड़ी है, तो उसमें सफल हो। तो ऐसे सड़क पर देखते हैं, कुछ लोग आते हैं, माला पहनी हुई है, भारत माता की जय बोलते हैं, फटाफट पुलिस जाती है, उनको पकड़ लेती है। मन में प्रश्न उठता था कि ये भाषा क्या है, भारत माता की जय नहीं बोल सकते और आप लोगों को अंदर डाला जा रहा है। यात्राएं जैसा हमारे मस्जिद ने यह सुनाई है, ऐसी घटनाएं केवल उनके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ घटित हुई है। रामलाल जी को रोकना पड़ा, अगर घटनाएं सुनाने लग जाते हैं सुबह हो जाती है उनकी घटनाओं की। सारे देश की कहानी हरियाणा के अलग से कहानी है, 900 के लगभग ऊपर ही संख्या थी जो हरियाणा के वासिंदे थे और जो हरियाणा की या देश के अन्य जिलों के दर्द है। तो इस घटना को याद करते रहना चाहिए। कई बार तो एक इसका दूसरा स्वरूप मैं दूसरे प्रकार से रखता हूं, जैसे रात होती है तो सुबह होती है। आखिर को इमरजेंसी हटी वो सुबह उस समय हुई जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जनता में जोश आता है। कभी भी देश के आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आजादी से पहले आजादी फौज का भारत छोड़ो का आंदोलन था, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी, उनके आंदोलन थे, देश आजाद हो गया वो आंदोलन था। तो ऐसी घटनाएं जब होती है देश की जनता जागती है। एक तो पेंशन का विषय था वो हो गया है कंप्लीट, दूसरा ताम्रपत्र का विषय वो भी हो गया है, तीसरा जो यात्रा है मुक्ति यात्रा, जो भी लोकतंत्र सेनानी है वो खुद या उनकी पत्नी उनके साथ एक अटेंडेंट, ये भी यात्रा फिल्म ने की थी। एक आयुष्मान भारत के नाते से चिकित्सा वाली बात आई थी, उसमें थोड़ी कठिनाई आ गई। उस कठिनाई में क्या कि आयुष्मान भारत में पूरे परिवार का वो SCC डाटा में कोई नाम होना चाहिए, ये सब को केंद्र की योजना है, इसकी बजाय उसमें बदल करके इस प्रकार से कर रहे हैं, जो जल्दी शुरू अभी से की जा सकेगी, कि जो स्वयं लोकतंत्र सेनानी है या उनकी पत्नी, दोनों का जो उनका व्यक्तिगत जो भी इलाज का खर्च है, जो चिकित्सा का खर्च है, सरकारी अस्पतालों में तो जितना उपयोग है वो सारा कर सकते हैं, उसमें कोई सीमा नहीं है,
प्राइवेट में अस्पतालों में भी दोनों का अलग अलग से एक साल का 5 लाख रुपए तक का अगर खर्च होता है तो वो सरकार।